इतने सालों ने खूब दबा के शराब पी, सब करा, सब नशे करे, तो आपकी क्या सिचुएशन थी, आपके दिल पे क्या बीतती होती थी उस टाइम, बिकॉज आप उनको ड्रंक देखते होगे रोज, एज अ वाइफ मेरे को पता था कि ये अपनी हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हैं, पैसा भी ख़राब कर रहे हैं, और कई बार इनका काम भी अफेक्ट होता था, और मुझे ये चीज़ें दिख रही होती थी तो मैं रोकती थी। मेरा भाजी उस टाइम वेट जब मैंने शुरू किया तो 105 किलो था, कितना है अब? 80। वो कहते हैं ना, आपके जैसे दोस्त होंगे आप वैसे ही बन जाओगे। सो जिनसे मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ, वो स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि वो BBC पे भी कवर हो चुकी है, डेली पोस्ट पे भी कवर हो चुकी है, लेकिन हमारे चैनल पे कवर नहीं। और मैं चाहता हूँ इस स्टोरी के थ्रू आप इतने मोटिवेटेड हो जाओगे दैट यू विल बी लाइक कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिनकी लड़ाई खुद से नहीं, अपनी अल्कोहल की एडिक्शन से थी। ऐसा अल्कोहल एडिक्शन कि बस उनके दोस्त पीते थे, तो अब ऑब्वियसली जब आपके दोस्त पिएंगे तो आपको भी आदत पड़ जाएगी। तो शुरू शुरू में उनका सर्कल ऐसा था कि वो इवेंट्स वगैरह कराते रहते थे, शुरू शुरू में दारू पीनी शुरू करी उन्होंने। फिर एक ऐसा टाइम आया कि वो एक दिन में पूरी पूरी बॉटल पीनी शुरू कर दी उन्होंने। अब बॉटल पीने के बाद अब आप सोच सकते हो आपके पैनक्रियाज और लिवर की क्या हालत होती होगी। रोज़ उनके लोअर नीचे दर्द हो जाता था, पेट के नीचे, वो जिसे कहते हैं ना पेन में हुआ करते, लेकिन लत ऐसी है कि फिर दोस्त मिल जाने, फिर किसी ने घर पर आ जाना, फिर वो कहीं चले जाते, दारू छूट ही नहीं रही थी। फिर एक दिन ऐसा उनकी लाइफ में आया कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो छोड़नी ही पड़ेगी, इसको नहीं छोड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया, रिपोर्ट्स देखे कि भाई तेरी बॉडी में अगर एक ड्रॉप अल्कोहल और गई तो तू मर जाएगा। तो अब आपको डिसाइड करना था कि आपको दोस्त चाहिए ऐसे या आपको अल्कोहल या ज़िंदगी चाहिए। उन्होंने ज़िंदगी को चुना, और जब उन्होंने चुना तो फिटनेस ने उनको साथ दिया। 40 की एज में उन्होंने अपना अल्कोहल एडिक्शन से फाइट करनी शुरू करी, और करते 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 उनको 3 साल लगे। और आपको यहाँ पे एक शॉट डालूंगा मैं, यहाँ पे बिफोर आफ्टर का। एक आदमी ऐसा लगता था, फिर वो फिटनेस एडिक्शन के बाद वो ऐसा दिखना शुरू हो गया। उन्होंने अपना इवेंट्स का काम छोड़ दिया बिकॉज उन्हें पता था अगर मैं इवेंट्स के काम करूँगा मैं फिर वैसा हो जाऊँगा। अब वो बन गए एक ट्रेनर, और वो बड़े बड़े एथलीट्स को ट्रेन कराते हैं। सतनाम सिंह जो बड़ा एक बास्केटबॉल प्लेयर है, बहुत नामी गिरामी नाम है, उनको भी वो पंजाब से ट्रेन कराते हैं। मेरे से स्पेशली मिलने आए हुए बरनाला से इस इंटरव्यू के लिए हमारे रंजीत सिंह पाजी। सर पाजी, वेलकम टू द शो। थैंक यू पाजी। सर रंजीत पाजी की अल्कोहल एडिक्शन पे इतनी स्टोरीज है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। कई लोग इनको मानते हैं, इनसे इंस्पायर होते हैं, पंजाब में तो इनका बहुत ही बड़ा नाम है। लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक ही मैसेज दूंगा यार, 40 की एज में इन्होंने शुरू करा फिटनेस के साथ, और 43 की एज में आज ये रिप्ड है, और वो भी नेचुरल। ये क्लेम करते हैं कि मैंने लाइफ में कभी कुछ नहीं छुआ, सिर्फ अगर छुआ है तो सिर्फ वे प्रोटीन और सप्लीमेंट्स, वहीं पे मेरा फोकस रहता है, लेकिन मैंने ये जो जीत पाई है अपनी विल पावर से पाई है। सो पाजी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऐसे दिखते हो पाजी यार, मतलब मज़ा आ गया देख के। ये हमारे TG टॉक्स में भी आए थे इन्होंने, वहाँ पे भी हमें इन्हें सम्मानित किया फॉर हिज अचीवमेंट्स। सो पाजी कैसे करा ये, मतलब 40 की एज में जब लोग छोड़ देते हैं फिटनेस, आपने पकड़ ली और आप ऐसे से ऐसे हो गए? पाजी उस टाइम मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी कंडीशन थी डू और डाई, या तो मर जाओ, अगर बचना है तो वो एडिक्शन को छोड़कर अपनी लाइफ पे, अपनी सेहत पे ध्यान दो। तो यही रास्ता था मेरे पास उस टाइम। तो क्या हालत थी भाई आपकी पाजी, मतलब कैसी फिजिकल कंडीशन क्या थी आपकी, कहाँ दर्द होता था कुछ, काफ़ी दर्द, आप पेन में थे काफ़ी? बहुत ज़्यादा पाजी। मेरा वेट था उस टाइम 105 kg, और इतना मेरा फेस था, पेट, और कंडीशन आप सोच सकते हो 105 kg। कहाँ दर्द होता था? कहीं दर्द पाजी, मेरा पैनक्रियाज मेरा काफ़ी एक्यूट हो गया था जब रिपोर्ट्स मतलब आई सामने, तो सारा दिन मेरा ऐसे मतलब गुजरता था, हाय हाय, यूरिक एसिड काफ़ी अब था, जॉइंट्स पे पट्टियाँ बांध के, मतलब सारा दिन ऐसे ही गुजरता था मेरा दर्द में। लेकिन आप शराब नहीं छोड़ते थे? हाँ जी, जब शाम हो जाती थी ऐसे, तो उसके बाद ऐसे होता था भी पेन अगर मतलब कम करना है तो और पीते हैं, फिर पेन भूल जाते हैं। मैं शाम को नियर अबाउट 5-6 बजे मतलब अगर अकेला होता तो भी, अगर कोई आ जाता या किसी के पास जाता होता तो भी स्टार्ट कर देते थे। तो मतलब मिनिमम 1.25 बोतल से 1 बोतल डेली मेरे हिस्से में आ जाती थी एक रात में, एक दिन में शाम को। रीज़न बाजी ऐसे, जैसे पहले थोड़ा बिजनेस का स्ट्रेस रहता था तो शाम को चलो थक गए, बहाना बन जाता था, एक
थक गए, दो चार पैक मार लेते हैं, फिर उसके बाद वैसा सर्कल बनता गया धीरे धीरे, ये शौक फिर आदत बन गई। आदत के बाद उस टाइम तो ऐसा आया 2015-16 में, तो जैसे एक ड्यूटी बन गई पीना डेली, विशाम हो गई भाई अब तो पीना ही है। वाह, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 8 साल कोई आदमी, अब पीते क्या थे, विस्की या रम वोडका क्या? जो भी मिल जाते थे सब पी लेते थे। मतलब वैसे आपका क्या यूजुअल प्रेफरेंस क्या थी? यूजुअल विस्की, लेकिन जो भी देसी भी मिल जाती देसी भी पी लेते थे। और नशे से मतलब है? नशे से मतलब। तो तब आपका फिटनेस से दूर दूर तक कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं, कोई नज़दीक भी नहीं थी ऐसे, कोई पैदल चल के भी कहीं नहीं जाते थे, देखते थे भी चलो गाड़ी में चलते हैं, टू व्हीलर पे चलते। मतलब चलना भी नहीं होता था? चलना भी नहीं होता था कहीं कि ना, सीढ़ी चढ़ सकते थे आपकी चढ़ा ही नहीं जाएगा, सांस चढ़ जाएगी आपको, चढ़ ही नहीं सकते आप। क्योंकि काम ही ऐसा था, जैसे मेरा एग्जीबिशन कॉन्ट्रैक्ट का काम था तो NOC लेनी होती थी अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पे पहले यही देखा जाता भी ऑफिस कितने फ्लोर पे है, कैसे जाएंगे। चेकअप मेरा हुआ, रिपोर्ट्स हुई अल्ट्रासाउंड, तो डॉक्टर ने यही कहा अल्ट्रासाउंड देखने के बाद भी, भाई तुम्हारा जो कोटा था वो पूरा हो चुका है ऑलरेडी, अगर दोबारा जीना है, अभी भी जीना है, तो एक ड्रॉप भी तुम्हारे लिए जहर है। वाइफ ने भी कहा भी आप मतलब तुम्हारा है भी कौन हमारे सिवा, तो मैंने भी सोचा, फिर मैंने सेल्फ़ काउंसलिंग की बैठ के भी, मैं अगर बचना है इनके लिए बचना है, कुछ करना है अपने लिए करना है, तो मुझे छोड़ना भी पड़ेगा। तो फिर ऐसे मैंने अपना मन बना लिया भी अब मैं छोड़ के दिखाऊंगा। फिर भाजी जब ये आपकी नई जर्नी शुरू हुई, जब आपने सोचा कुछ करना है, और मैं आपको आज देख रहा हूँ सिक्स पैक श्रेडेड ये वो, तो वो 3 साल में ऐसा क्या हुआ भाजी? और आपने शुरू कर कौन सी एज में करा है फिटनेस? 40 के बाद, 2016 जुलाई में। तो मतलब आप जब लोग फिटनेस छोड़ देते हैं, मतलब हिंदुस्तान में माना जाता है कि यार 40 के बाद तो चलो अब क्या करनी है, ठीक है अब तो कम कर दो सब कुछ, और आपने फिटनेस को पकड़ लिया, कहाँ से शुरू हुआ भाजी? बिकॉज जो आपकी सिचुएशन थी उस पर तो आप चल भी नहीं पा रहे थे, सीढ़ियों में नहीं चढ़ पा रहे थे, कैसे हुआ वो, फिर कैसे शुरुआत भाजी? वो मतलब मैंने जब शुरुआत ऐसे की भी, चलो आप एडिक्शन तो मतलब मेरे ख्याल से मैंने दिल से छोड़ दी, तो अभी मैं अगर छोड़ दी तो मतलब परमात्मा ने वाहिगुरु ने अगर मुझे दूसरा जन्म दिया है तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा मतलब आगे बढ़ाऊँ, अपनी कुछ ख्याल करूँ अपना सेहत का। तो धीरे धीरे फिर मैंने थोड़ा घर से बाहर निकल कर मॉर्निंग सैर शुरू की, मॉर्निंग वॉक, पहले थोड़ा थोड़ा 1 किलोमीटर तक जाके मेरा सांस फूल जाती थी, फिर थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाया 5-7 किलोमीटर तक लेके गया, फिर उसके बाद मतलब 15-20 दिन बाद जब थोड़ा थोड़ा स्टैमिना बिल्डअप हुआ तो मैं ग्राउंड में चला गया, वहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस करते देखे और अच्छा लगा भी, यार ये कर रहे हैं तो मैं, मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों नहीं कर सकता, तो वहाँ पर प्रैक्टिस करने की शुरू की। तो उसके बाद फिर मुझे लगा भी हाँ अब मैं मतलब आगे कोई जिम ज्वाइन करूं या कोई ऐसे आगे बढ़ूं। फिर जिम ज्वाइन करा, फिर छोटा सा जिम ज्वाइन किया, फिर वहाँ बताओ उनके बारे में बताओ। बस वो वहाँ पे जिम ज्वाइन किया तो पहले तो कभी मतलब इतने साल हो गए, 17-18 साल हो गए थे, कभी जिम डंबल रॉड को कभी हाथ भी नहीं लगाया था, तो तब मतलब वहीं पे थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज की, पुरानी मेमोरी को याद किया भी ऐसे। पुरानी मतलब पहले आप बॉडी बिल्डर थे आप? कॉलेज टाइम में हम मतलब मैं पहले पावर लिफ्टर था, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी में मेरा सिल्वर मेडल था। अच्छा, तो वेट ट्रेनिंग आप करा करते थे तब? हाँ, उसके बाद बिल्कुल ही छोड़ दी 96 में छोड़ दी थी बिल्कुल ही। तो फिर जब वापस ये 2016 में आप 16 में वापस दोबारा रॉड पकड़ी मैंने, फिर बस उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा याद किया अभी हम ऐसे कर रहे थे अब भी कर सकते हैं, तो ऐसा बाकी कुछ ये था अभी इतने साल जो लाइफ के ख़राब किए हैं क्यों किए मैंने, वो अपना गुस्सा मैंने अपने पर ही निकाला। उसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज मतलब अच्छे तरीके से मतलब कंटिन्यू रहा मैं, कभी तो दिन में मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में वर्कआउट करता। कितनी देर वर्कआउट करते थे? घंटा घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटे।
कैसे आपने छोटे छोटे, सबसे छोटा चेंज आपने पहले क्या शुरू किया, सबसे पहला चेंज? बिकॉज होता है क्या है, जिसको भी फिटनेस में या कोई एडिक्शन छोड़ना है, पहला चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपका पहला चेंज क्या था अपनी डाइट में? डाइट में तो मेरा पहला चेंज ये था, मैं अपनी डाइट को थोड़ा क्लीन करूँ पहले। तो क्लीन इन द सेंस मीन्स मैंने फ्रूट पे पहले फोकस किया ज़्यादा, फ्रूट ऐड करें। हाँ जी, फ्रूट ऐड, अनार सबसे पहले तो, अनार मेरा दो डेली अनार, मतलब मैं अपने हाथ से दाने निकाल कर वो खाते ही खाता रहता। अनार इज़ द मेन थिंग फॉर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। अच्छा, तो अनार को सबसे पहले पकड़ा मैंने। अनार तो आज तक भी मैं, मेरा जब भी मतलब अच्छा अनार मुझे मिलता है, डेली मेरी डाइट में अनार है। सलाद ऐड किया मैंने, वेजिटेबल्स और एग्स तो मेन सोर्स है या प्रोटीन का। वाओ, तो और वर्कआउट कैसे करते जा रहे थे? आपको कोई बताने वाला भी नहीं था, आप अपने आप ही करते रहे वर्कआउट? हाँ जी, वर्कआउट मेन पहले मैंने मतलब 3-4 मंथ्स तो जैसे बेसिक्स जो होता है, अभी दो वीक में दो बार बेंच प्रेस लगा लो, दो बार आर्म्स लगा लो, मतलब ऐसे ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे हम नॉलेज लेते रहते हैं, इंटरनेट पे आजकल बहुत कुछ है, तो उसको मैं अपने ऊपर लेता था भी मैं ऐसे करूँ। मतलब शुरू से ही मेरा जब आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ मुझे ऐसा था भी मैं कुछ हटके करूँ। एनाबॉलिक्स बिकते हैं, मिलते हैं, सजेस्ट करते हैं लोग, आपको किसी ने बोला और आपको रेकमेंड करा, और आपको अगर रेकमेंड कर तो आपने क्या बोला? देखो पाजी, ये तो है, मतलब आजकल नेचुरल है, सबको ऐसा होता है भी जल्दी से जल्दी मैं मतलब मस्कुलर बनूँ, ऐसा दिखाऊँ वैसा दिखाऊँ। तो उस टाइम पे तो मेरा ऐसा था ही नहीं था भी मैं कोई स्टेज पे जाऊँ, आज तक भी नहीं है। स्टेज के बारे में कभी आज तक मैंने सोचा नहीं है, ठीक है। उस टाइम मुझे ये था भी मैं अपने आप को फिट रखूँ, ताकि जो मेरी लाइफ के आगे जितने भी साल है उसका मैं आनंद ले सकूँ। तो दैट्स वाई मतलब मैं इस लाइन पर कभी आया ही नहीं, ना ही मुझे मतलब कहते रहते थे भी ऐसे है, सामान लेते हमारे उधर सामान बोलते हैं, हर जगह भी सामान ही बोलते हैं। हाँ जी, तो उस लाइन पे तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, तो सामान लेने का कभी सोचा ही नहीं, कभी सोचा नहीं, क्योंकि मेरा जवाब ये होता जो भी कहता है जिस रास्ते मैंने जाना ही नहीं उस रास्ते मैंने सोचना भी नहीं। क्योंकि आपकी तो ऑलरेडी मेडिकल कंडीशन काफ़ी वर्स थी, क्योंकि आपके पैनक्रियाज प्रॉब्लम थी, आपको हर चीज़ प्रॉब्लम थी, तो अगर आप ये लेते तो शायद और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बढ़ जाती, क्योंकि उस टाइम सुनते रहते थे वी आर ऐसा करके, वहाँ पे किसी कबड्डी खिलाड़ी हमारे दो तीन मेन जो कबड्डी खिलाड़ी थे उनकी डेथ होगी, रीज़न बिहाइंड वही होता था मेन, कोई डोज ज़्यादा होगी, तो वो डर भी था मन में, तो इसलिए मतलब कभी मैंने सोचा ही नहीं। अपने अपना प्रोफेशन भी छोड़ दिया आपने वो जो पहले? हाँ जी, वो प्रोफेशन मैंने ऑलरेडी पूरी तरह से छोड़ दिया। अब क्या करते हो आप? अभी मैं हमारे जिम है बनाला में दो, उनमें मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ। तो आपने वो छोड़ के अब पर्सनल ट्रेनिंग कर रहे हो आप? कहाँ एक इवेंट कराने वाला आदमी एनओसी के लिए धक्के खा रहा होता था गवर्नमेंट ऑफिसेज में, करा दे और उसके बाद शाम को रात को दारू पीता था, और अब आप फिटनेस ट्रेनर हो के घर में सारी रेगुलर डाइट। तो अब आपकी आजकल की डाइट क्या रहती है, जब आपकी डाइट क्या रहती है? अभी मेनली तो भाजी मेरा मतलब मेन सोर्स जो है, मतलब अपनी डाइट को मैंने पूरा बैलेंस कर रखा है। इस टाइम जो मेरा गोल है आगे मेरे माइंड में, मतलब उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना प्रोटीन लेना, कितना कार्ब लेना, कितनी हेल्दी फैट्स लेनी, तो उसी हिसाब से मैंने अपनी डाइट बैलेंस कर रखी है। तो जो लोग भाई नशे की लत छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे, आप उनको क्या बात बोलोगे कि कैसे वो इससे बाहर आ सकते हैं? तो उनको मेरा ऐसे ही रहता है यार, आप मेन बात तो ये देखो भी, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सिर्फ क्या अपनी विल पावर को स्ट्रांग करो, कुछ भी नहीं है। दो तीन दिन आप ये सोच लो भी आपको किसी ने कमरे के अंदर बंद कर दिया, क्या करोगे फिर? क्या करोगे फिर आप मरोगे तो नहीं ना। आपको प्रॉब्लम आई भाई 40 के बाद? मतलब लोग कहते हैं 40 के बाद तो आदमी की हड्डियां जवाब दे जाती हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आई? भाजी एक्चुअली बात तो ये है कि मैंने उस प्रॉब्लम के बारे में कभी सोचा ही नहीं, मैंने ये सोचा भी मैं कुछ करके दिखाना है, तो प्रॉब्लम आई हो ना आई हो तो मैंने इस बारे में गौर ही नहीं किया। फोकस थे आप। ये होती एक स्टोरी, एक इंस्पिरेशन कि यू नो आप कुछ भी कह लो, आप 40s कह लो, कुछ कह लो, सो आप किसी भी एडिक्शन से लड़ सकते हो, उस पर काबू पा सकते हो और उसको हरा सकते हो। ही इज़ नेचुरल, सेल्फ टॉट, सब कुछ अपने आप को खुद सिखाया है, खुद डाइट बनाते हैं अपनी, खुद करते हैं, और पंजाब में जिंदा मिसाल है सबके लिए। बड़े बड़े एथलीट्स इनका मिसाल देते हैं पंजाब में, चाहे वो सतनाम सिंह हो, बड़े बड़े बास्केटबॉल प्लेयर्स वहाँ पे, जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, ये उनके ट्रेनर हैं, उनको सिखा रहे हैं। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनकी विल पावर है, जो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। अगर आपको भी इनकी हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको भी किसी
ट्रेनिंग की ज़रूरत है, चाहे आपको एडिक्शन से फ़ाइट करना है, चाहे आपको अपनी बॉडी से फ़ाइट कर रहे हो, चाहे आपको रिजल्ट्स की हो, तो आप इनके साथ यू कैन गेट इन टच विद देम। आपका नंबर डाल दूं भाजी मैं? हाँ जी श्योर भाजी। तो मैं आपका नंबर, इनका नंबर डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप इन्हें फ़ोन करो, बिकॉज मुझे पक्का यकीन है कि ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच भाजी बात करने के लिए। थैंक यू भाजी। एंड आई एम श्योर आपको इनकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशन लगी होगी। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, कोई भी आपके सवाल हो आप इनसे ज़रूर पूछिए, और मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में।